आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज मैं मसाला डोसा बनाने जा रही हूँ। मसाला डोसा में हम आलू भरेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आलू कैसे तैयार किए जाते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन करना और बेल बटन दबाना। इसके लिए हमने दो प्याज लिए हैं जिनको बारीक काट लिया है, और 6-7 ये आलू लिए हैं, ये उबाल लिए हैं, 4-5 हरी मिर्चें हैं, और ये सरसों और राई दोनों मिक्स करके मैंने लिए है। अब हम इसमें ऑयल डालते हैं। एक पैन रख दिया है मैंने, उसमें ऑयल डाल रही हूँ। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर हम सरसों और राई दोनों डाल देंगे। अब हमारी सरसों और राई ब्राउन हो गई है, अब इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देते हैं। इसको हम ब्राउन होने तक चला चला के भून लेंगे। को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम इसमें 4-5 जो हरी मिर्ची ली थी वो डाल दी है। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करते हैं। 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया है, और अब मैं 1/2 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच ही लाल मिर्च, और 1/2 चम्मच ही मैंने खटाई ली है, 1/2 चम्मच गरम मसाला। इन सबको मैं भून लेते हैं। हम 1 चम्मच हम नमक डाल देते हैं। अब हमारा मसाला पक चुका है, अब इसके अंदर हम आलू ऐड कर देते हैं। आलू ऐड करने के बाद हम थोड़ा सा इनको भून, आप आलू बारीक बारीक चाकू से काट भी सकते हैं, वो या कैसे कस भी सकते हैं। अब हमारे डोसे में भरने के लिए आलू तैयार हैं। हरी मिर्च की जगह आप लाल मिर्च का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे नहीं खाते, इसलिए मैंने हरी मिर्च डाली है, लाल नहीं डाली। चलिए अब हम डोसे की तैयारी करते हैं। ये हमने 3 कटोरी चावल लिए हैं, और ये 1 कटोरी दाल ली है। इनको हमने 4-5 घंटे पहले भिगो दिए थे, ये भिगे हुए हैं, और इनको अब हम पीस लेके पेस्ट बना लेते हैं। लेकिन पेस्ट हमेशा अलग ही बनाएं, क्योंकि दाल और चावल एक साथ पीसने में दाल पूरी तरह से पीस नहीं पाएगी, मोटी रह जाएगी, इसलिए अलग अलग ही बनाया जाएगा। अब हमारा दाल और चावल का पेस्ट तैयार है। अब इस मिक्सर को हम मिक्स कर लेते हैं। हमारा डोसा बनाने के लिए बैटर तैयार है। चलिए अब हम डोसा बनाते हैं। अब हमारा तवा गर्म हो चुका है, अब हम इस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। हमारा तवा गर्म हो चुका है, अब हम बैटर डाल रहे हैं। अब हल्का हल्का हम और चारों तरफ ऑयल लगा देते हैं। अब इसको आराम से हम पलट देते हैं। अब हमारा डोसा लगभग सिक चुका है। अब इसके ऊपर हम आलू रख देते हैं। तो अपने हिसाब से जैसा आपके बच्चे पसंद करें वैसा ही आप रख सकते हैं। अब हमारा डोसा खाने के लिए तैयार है। सांभर और चटनी कैसे बनाई जाती है आप मेरे पहले वीडियो में देख लेना। यदि आपको मेरा बनाया हुआ डोसा पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। अगली बार मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ। धन्यवाद।